मरी धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। तेज हवाओं के दोष पर दरख्तों से गिरते पत्ते, धुआं धुआं मुलगजी, फिजाओं में आसमान से चमा चमी बरसा तो पत्थरों ने भी पानी उगलना शुरू कर दिया। ऐसे में मकामी लोग और सयाह सर्द और हसीन मौसम का लुत्फ उठाते रहे। गांचे भी बर्फानी दोशाले में लिपटा रहा। पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ ने हर मंजर सफेद कर दिया। दीरबाला शहर और गिर्दोनवाह में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश और बर्फबारी के बाद लोग आग जलाकर हाथ तापते रहे। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में बारान रहमत और पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के बाद जिंदगी ठिठर कर रह गयी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काली घटाओं के सबब रात का समा रहा। आसमान में कहीं बरसाया ढेरों पानी और कहीं ज्याला बारी की सूरत लुटाए सफेद मोती। मारगला की पहाड़ियों और मनाल में भी आसमान ने रुई के सफेद गाले बरसाए। बारिश और ज्याला बारी के बाद चलने वाली ठंडी हवाओं ने शहरी इक्तदार का मौसम दिलकश बना दिया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक सूबाईदार हुकूमत लाहौर में आज दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जबकि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली भी जारी रहेगी। पिशावर और गिर्दोनवाह में भी रात गए काली घटाएं आई, छाई, गर्जी और फिर जमकर बरसी। बाद मकामात पर याला बारी भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहेगी।